नमस्ते दोस्तों, आज है 15 दिसंबर 2023 और आज है हमारा अंतिम दिन सौराष्ट्र में। जूनागढ़ में ये खूबसूरत सा स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए। अभी हम बढ़ रहे हैं राजकोट के तरफ। जूनागढ़ से हमारा चेकआउट हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं राजकोट के तरफ। राजकोट से हम जाएंगे वीरपुर, जहाँ पे जलाराम बापा जी का जन्म हुआ था। हमने ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं कर पाए यहाँ पे, क्योंकि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो हम बस दर्शन करके जलाराम बापा का जो जन्म स्थान है वहाँ पर दर्शन करके हम आगे की ओर बढ़ चले। तो हम पहुंच चुके हैं अभी राजकोट। राजकोट से हम करने वाले हैं, हम वापस मुंबई जाने वाले, पर उसके पहले ये खास जगह हमें आना था। जी हाँ, हम आए हैं इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा का रेस्टोरेंट में, तो चलिए यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं। हमने यहाँ पे मुलाकात की रविंद्र जाडेजा की सिस्टर मिस नैना जाडेजा से, उनसे बात करके बहुत ही आनंद आया। देख सकते हैं वो बहुत ही हंसमुख है और बहुत ही खुल के हमारे साथ बात कर रहे थे। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था, स्पेशली हम दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम दोनों ही क्रिकेट फैन हैं। और देख सकते हैं रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर है। बहुत पहले ये ओपन हुआ था, आई थिंक इसको 10 साल हो गए ओपन होके। और इसका व्यू आप देख सकते हैं, चारों तरफ क्रिकेट के आकृति की गई है। हम यहाँ पे आके बहुत ही एक्साइटेड महसूस कर रहे थे। तो चलिए कुछ खान पान किया जाए यहाँ पे। तो ये बहुत ही खुश है रविंद्र जडेजा के रेस्टोरेंट में आके। बहुत खुश हो ना? बहुत खुश। बहुत खुश। और आप लोग को भी कभी अगर मौका मिले राजकोट आने के, इधर आइए जड्डू सोम। कैसा है खाना? देखिए मैं लंच में क्या खा रही हूँ। मैंने अपने लिए टाकोस मंगा लिए। देख, ट्राई करेंगे कि जड्डूस रेस्टोरेंट में टाकोस कैसा लगता है। देख के तो बहुत ही यम्मी लग रहा है, खाने में भी उतना टेस्टी रहेगा। जब भी आप राजकोट आए यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। एयरपोर्ट कितना टाइम लगता है इधर से? इधर से एयरपोर्ट 30 किलोमीटर। अगर आपको निकलना हो तो जडेजा के रेस्टोरेंट से होते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स राजकोट एयरपोर्ट, हिरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ से हम मुंबई के लिए निकल जाएंगे। मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो और ये सौराष्ट्र सीरीज़ बहुत ही अच्छा लगा है। मुझे सौराष्ट्र सीरीज़ में और एक वीडियो डालना है, पर मैं वो बाद में डालूँगी। वो है द्वारका सोमनाथ का जो होटल रिव्यूज़, वो भी मुझे देना है आपको, पर मैं वो आपको
उस ब्लॉग के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो है हिमाचल का सीरीज़ या हिमाचल पार्ट टू। जैसे हमने पहले शिमला मनाली किया था, पर अभी हम जाने वाले हैं हिमाचल में कोई और जगह पे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, मिल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।